आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर से टेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टडी करने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन द वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज जीरो इनफाइनाइट स्लाइटली लेस देन एट द पोल्स स्लाइटली लेस देन एट द इक्वेटर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन जैसा कि हम जानते हैं अर्थ के सेंटर पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू जीरो होती है अगर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो वेट भी क्या होगा जीरो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू द मास ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज जीरो इनफाइनाइट रिमेन सिम नन ऑप्दीज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन जैसा कि हम जानते हैं मास जो होता है वो कभी नहीं परिवर्तित होता है कभी भी नहीं चेंज होता है वो अर्थ के सरफेस पर हो या अर्थ के सेंटर पर हो या यूनिवर्स में कहीं पर भी हो किसी भी पॉइंट पर हो मास कभी भी चेंज नहीं होता है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थ्री एज वी गो फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज इक्रीजेज रिमेंस सेम डिक्रीजेज डिपेंडिंग अपॉन द लैटिट्यूड ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन इंक्रीजेज जैसा कि हम जानते हैं इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू इंक्रीज करती है क्वेश्चन नंबर फोर एज वी गो अब फ्रॉम द अर्थ सरफेस, द वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी गोज ऑन इंक्रीजेज डिक्रीजेज रिमेन्स सेम नन ऑफ दीज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन डिक्रीजेज जैसा कि हम जानते हैं अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू डिक्रीज करती है क्वेश्चन नंबर फाइव एज वी गो विलो फ्रॉम द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी गोज ऑन इंक्रीजेज, डिक्रीजेज रिमेन्स सेम नन ऑफ दिज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन डिक्रीजेज जैसा हम जानते हैं अर्थ सरफेस से बिलो जाने पर यानी इनसाइड अर्थ इनसाइड अर्थ जाने पर अर्थ के अंदर जाने पर एक्सलेशन ड्यू टू तो ग्रेविटी जी की वैल्यू डिक्रीज होती है क्वेश्चन नंबर सिक्स इफ द अर्थ सडनली स्टाप्स रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस द वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी वुड एक्सेप्ट एट पोल्स इनक्रीजेज डिक्रीजेज रिमेन्स अनचेंज मे इंक्रीज और डिक्रीज ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन इंक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर सेवन इफ द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इंक्रीजेज देन द वेट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट एट पोल्स इंक्रीजेज, डिक्रीजेज रिमेन्स अनचेंज इट मे इंक्रीज और ड्रीज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन डिक्रीज इज क्वेश्चन नंबर एट इन वैक्यूम आल फ्रीली फॉलोइंग बॉडीज हैव द सेम फोर्स हैव द सेम एक्सलेसन हैव द सेम बेलासिटी हैव द सेम स्पीड ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हैव द सेम एक्सलेशन Question number 9. The acceleration due to gravity had the same value everywhere on the Earth, had the same value everywhere in space, is greater on the Moon due to its smaller diameter, varies with latitude on the Earth. Option D is the correct option, varies with latitude on the Earth. क्वेश्चन नंबर टेन द वेट ऑफ ए बॉडी इज मेजर टू बी सिक्सटी न्यूटन ऑन द अर्थ इफ इट इज टेकिन टू द मून इट्स वेट विल बी टेन न्यूटन थर्टी न्यूटन सिक्सटी न्यूटन हंड्रेड न्यूटन ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन टेन न्यूटन जैसा कि हम जानते हैं एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू मून पर अर्थ के कंपरेजर में वन बाई सिक्स होती है यानी जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एम यानी मून पर होती है वह जी बाई सिक्स और जी क्या है अर्थ के लिए है यानी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो अर्थ पे होती है उसके कंपरिजन पर मून पे जो होती है वो जी बाई सिक्स यानी वन बाई सिक्स होती है इसलिए उसका वेट भी क्या हो जाएगा वन बाई सिक्स हो जाएगा यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो अर्थ सरफेस पर मेजर किया गया उसका वेट अगर सिक्सटी न्यूटन है तो मून पर कितना हो जाएगा टेन न्यूटन हो जाएगा ऐसे ही वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हाँ वेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा थैंक यू